अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चॉकलेट ट्रफल्स, जिसके लिए मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, 2 टेबलस्पून बटर के लिए और 1 कैन कंडेंस मिल्क का लिया। कप्स में ये 1 एंड 1/4 कप बनता है। अब हम लोग एक पैन में बटर ले लेंगे और बटर को मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें डाल देंगे हम कंडेंस मिल्क। और बटर और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में तो इसमें जाएगा कोको पाउडर। और अब अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रहे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस इसको हमने कुक करते जाना है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा ये थिक सा लिक्विड बन जाए। या आप जैसे चम्मच हिलाएंगे तो चम्मच आपने कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहना है। और आप ये देखें कि ऐसे आप पैन में कट लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स लगने चाहिए। 3 सेकंड्स में अगर आपका आपस में लिक्विड मिल रहा है, इसका मतलब इट्स रेडी। ये आप देख सकते हैं कि कितना ये थिक हो गया, एंड इट इज़ टेकिंग ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स। सो नाउ इट्स रेडी। अब हम लोग कोई एक प्लेट ले लेंगे या कोई डिश जिसमें आपको सही लगे, उसमें इसको शिफ्ट करके तो सारा फैला देंगे। और इसको बेशक आप बाय रख लें, फ्रिज में रखेंगे तो ज़रा जल्दी हो जाएगा, फ्रिज में रख दें। अब उसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं स्प्रिंकल्स, कोकोनट पाउडर, और कोको पाउडर से भी आप सिर्फ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें ही हों, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जो आपको पसंद हो आप वो कोट कर लें ऊपर। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया और स्पून को भी ग्रीस कर लिया था, और अब इसके बस छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बना के हम लोग रखते जाएंगे, जितना साइज आपको सही लगे अपनी मर्जी से। ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये थिक हो जाएगा लिक्विड, और ये आप देख सकते हैं कितने आराम से बॉल्स बन रहे हैं स्मूथली। इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे। आप हाथों को ग्रीस करते रहें और बॉल्स बनाते रहें, इजीली बन जाएंगे। और जिस प्लेट में आप इनको रख रहे हैं बॉल्स बना के, उस प्लेट को भी ग्रीस कर लें नीचे से थोड़ा सा,
उससे बॉल्स चिपकेंगे नहीं प्लेट के साथ, या बटर पेपर रख लें जो आपको ईजी लगता है। अच्छा, अब हम लोग इसकी कोटिंग कर देंगे। जिससे भी आपको पसंद है, आपको कोको पाउडर सिर्फ पसंद है कोको पाउडर से कर दें, जो आपके पास अवेलेबल है। इधर यहाँ मैं स्प्रिंकल्स की कोटिंग कर रही हूँ, बहुत आराम से चिपक जाएंगे स्प्रिंकल्स, कोको पाउडर, जो भी आपके पास है, बहुत आराम से इसके साथ स्टिक हो जाएगा। तीनों चीज़ों में मैंने आपको कोट करके दिखा दिया, बाकी के भी कर लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत इजी, जल्दी से बन जाते हैं, थोड़ा सा टाइम, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और एक मज़ेदार सी डिश। स्नैकिंग के लिए, स्कूल पार्टीज़ के लिए, बच्चों की वैसे बर्थडे पार्टीज़ के लिए ये एक मज़ेदार सी डिश हो जाती है। और आपने देख ही लिया कितनी इजीली बन जाती है, बहुत मज़े के होंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको इंशाल्लाह ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।